ओके सो हेलो एवरीवन, आज आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एक्स पर। तो अब हम बात करने वाले हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, देखो पहले एक थोड़ी सी लिंक बनाई जाए। जैसे हमने पहले मोशन चैप्टर स्टार्ट किया, तो मोशन सबसे पहले हमने मोशन देखा, ठीक है, मतलब किसी का एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर डिस्प्लेस हो जाना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से उठकर कहीं और चले जाना, ठीक है, और किसके साथ में, टाइम के साथ में, क्योंकि टाइम पैरेलल चल रहा, मतलब अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसके साथ में एक चीज़ जरूर चल रही है, वो है टाइम। ठीक है, टाइम कभी रुका है क्या, आपने कभी सुना है क्या, अनंत काल से टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा चलता है भैया। दिन उगेगा, दिन डूबेगा, ठीक है, रात आएगी, दिन होगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है टाइम, आपकी घड़ी का रुक जाना मतलब टाइम का रुक जाना नहीं होता है, ठीक है। अगर ये दिन ढलना या दिन उगना ये सब बंद हो जाए अगर, तो माना जाएगा कि टाइम रुक गया है, ठीक। तो ये होता है, अब टाइम साथ साथ चल रहा है ना, आप अगर चले, आप अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस गए तो साथ में आपके कौन चल रहा है, टाइम, ठीक है। तो अब तो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ किसका, एक बॉडी का, ऐसे एक ऑब्जेक्ट का, विथ टाइम, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप वहाँ से वहाँ गए, ठीक है, तो मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूँ, किसके लिए, आप मूव कर रहे हो वहाँ से वहाँ, तो वहाँ से वहाँ जाने में आपको कुछ टाइम लगा, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ आप चले और मेरे रिस्पेक्ट में। तो ये मोशन था, ठीक है, हमने मोशन देखा। मोशन में हमने देखा कि यार एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना, मतलब इसको हमने क्या बोला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ें, ठीक है। तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब आया कि यार सर मैं अगर ऐसा सा घूमते घूमते जाऊँ इसके घर पे, या फिर मैं ऐसा सीधा चले जाऊँ, तो ये दोनों को, दोनों में हमने दूरी तय करी है, पर इन दोनों को अलग अलग, तो एक को हमने डिस्टेंस बोल दिया, जो कि लॉन्ग पूरा जो अपना ओरिजिनल पाथ कवर था उसको डिस्टेंस बोल दिया, और एक डिस्प्लेसमेंट हो गया था। ये बात आपको समझ में आ गई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलिए सर समझ में आ गया भैया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो थी वो डिस्प्लेसमेंट बोल दिया आपने, और जो पूरा कवर था पाथ, पूरा कवर जिसमें किया हमने, वो डिस्टेंस हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सर ये तो सीधा जा रहा, मतलब इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं क्या, इसको एक डायरेक्शन बता सकते हैं, हाँ जी। फिर हमने पढ़ा स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर नॉर्थ में चला, ये हुई वेक्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम अपना डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोल दूं कि 5 किलोमीटर, अब पता ही नहीं किधर चला, ऐसा 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 जा रहा है, तो कितनी बार डायरेक्शन बदलोगे, समझ में आ रही बात, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो 5 किलोमीटर बोला मतलब क्या, डिस्टेंस की बात करी, फंडे क्लियर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्केलर वेक्टर हो गया, उसके बाद स्पीड पे आया हम, ठीक है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, हम सिर्फ मोशन में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जो पहली बार में जो डेफिनेशन आपको बोली उसमें हर चीज़ बता रहे हैं कि भाई जा रहा था, तभी हमने डिस्टेंस, तभी हमने देखा कि अरे जा रहा है मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा हमने। फिर हमने देखा कि अरे एक डायरेक्शन है तो उसमें स्केलर वेक्टर पढ़ा, फिर हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जा रहा है तो कुछ स्पीड से जा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि भैया ऐसा खड़ा है और ऐसा ऐसा पहुँच गया, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, कभी तेज चल रहा होगा, कभी धीरे चल रहा होगा, तो ये क्या है, स्पीड, ठीक है। तो सर मतलब स्पीड क्या, मतलब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सर डिस्टेंस लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दोनों में है तो दूरी, ठीक है। तो स्पीड के केस में क्या लिया हमने, डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अपना वेक्टर, अपना वेलोसिटी के केस में क्या लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट लिया, क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगी, इसलिए हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, क्योंकि हमको फिर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर में हम फंस रहे थे कि सर ये चल के जा रहा है, सर ये चल के जा रहा है, समझ में आ रही बात, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें फंस रही थी, ठीक। क्योंकि हमको हिंदी में क्या पता है फॉर्मूला स्पीड का, दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या है, दूरी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ से क्या समझ में आया कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। तो ये हुआ, उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, अब यार ये क्या है, अच्छा ये हुआ, मोशन में पढ़ रहे थे, मोशन में हमने सबसे पहले क्या देखा था, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना टाइम के साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, समझ में आ गई बात। तो ये मैं जा रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा ही हमेशा चल रहा हूँ या मैं स्पीड में चल रहा हूँ, क्या हो रहा है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म आएगा ना, मतलब कभी मैं अगर एक ही स्पीड से चल रहा हूँ ऐसा, ठीक है, या फिर मैं एक स्पीड से चल रहा हूँ पर फास्ट चल रहा हूँ,
समझ में आ रही। तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ। तो फिर समझ में आ रहे यार ये मोशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, तो यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा। ठीक है, तो सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में चेंज कैसे आता है भैया? मैं अगर बोल दूं, ऐसा तो है नहीं कि मैं या तो यूनिफॉर्म ही चलूंगा, मतलब या तो धीरे धीरे चलूंगा या भागते हुए चलूंगा। मैं कभी कैसा चलूंगा, धीरे धीरे चल रहा, फिर मैं भागने लगा, भागने लगा। सर ये चेंज कैसे आया, ये चेंज क्या होता है? यही तो एक्सीलरेशन होता है बाबू, समझ में आ रही बात? यही तो एक्सीलरेशन होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तभी तो हम एक्सीलरेट होते हैं। एक्सीलरेट क्या होता है, बाइक में एक्सीलरेट करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, चलो वहां तक एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, वहां तक एक्सीलरेशन हो गया, आपने बाइक की स्पीड बढ़ाते गए, बढ़ा, अरे सामने ट्रैफिक आ गया, धीरे कर धीरे कर धीरे। फिर क्या हो रहा है, ये बढ़ते गए स्पीड, बढ़ते गए, ये एक्सीलरेशन। तो इसका उल्टा रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन, जब आपने ब्रेक अप्लाई करना शुरू करा, जब आपकी स्पीड कम होते गई। तो क्या होगा सर, इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। इसमें भी क्या होगा, चेंज इन, क्योंकि यहां पे बढ़ रही है ना, बढ़ रही है मतलब फिर भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है भाई। पहले कम थी, फिर बढ़ गई, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ, एक्सीलरेशन। यहां से फिर कम हो रही। तो यहां पे भी क्या हुआ, पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब फॉर्मूला सेम है, हाँ भाई सेम है, पर फिर कुछ तो करना पड़ेगा सर, नहीं तो हम तो उलझ जाएंगे कि यार ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन को आप अगर नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, जो भी है इसकी क्वांटिटी अलग अलग आएगी, ठीक है, अलग अलग आ सकती, सेम आ सकती, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये एक्सीलरेशन है, फिर आपने ब्रेक अप्लाई किया, ये रिटार्डेशन है। फॉर्मूला सर एक है, तो फॉर्मूला एक है, एंसर सेम आ सकता है, तो एंसर सेम आएगा। पर अगर रिटार्डेशन की बात हो रही है, बॉडी पता चले इनिशियली, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दो पॉइंट आपने पढ़ा है कि भैया यहाँ से चालू करा आपने चलना, यहाँ आपने खत्म किया, इतने में आपका क्वेश्चन है, इतने में आपको समझना है कि एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। ठीक है, तो अगर वो बोल दे कि इनिशियली वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, 5 मीटर पर आवर से चल रहा है, पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, और बाद में वो जीरो हो गया, तो इसका इतने क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आएगा, वट इज इट, इट इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इट इज रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर से आप जीरो, मतलब गाड़ी आपने रोक दी, मतलब आपने ब्रेक अप्लाई करा, मतलब क्या, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और भी इसमें जो क्वांटिटीज रहेगी, जो वैल्यूज रहेगी वो दी जाएगी, ठीक है, वो सब दी जाएगी आपको। तो उसके बाद अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हो, चेंज इन वेलोसिटी निकाल के एक्सेलरेशन फाइंड करते हो, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने पे आपको क्या समझ में आएगा कि वहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा, फाइंड एक्सीलरेशन करना है या रिटार्डेशन बोल सकते हो उसको, रिटार्डेशन, पर आपको नेगेटिव साइन के साथ आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, ये फाइनल पॉइंट हुआ आपका, ये इनिशियल हुआ। अब मान लो कि आपकी जो आपका जो वो है 5 सेकंड में आपने किया, कितनी देर में, 5 सेकंड के अंदर अंदर आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जीरो पे आ गए, आपने इतना तेज अप्लाई किया ब्रेक, बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे या वेलोसिटी से चल रहे थे, जो भी बोल सकते हो, और 5 सेकंड में आपने ब्रेक अप्लाई किया, जैसे ही वैसे ही 5 सेकंड में आपकी गाड़ी रुक के जीरो पे आ गई, आपकी गाड़ी रेस्ट में आ गई, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड का कम होना, स्पीड एक बात समझ में आया, शुरू से चला करो, स्पीड कम हुई मतलब क्या, चेंज इन स्पीड में चेंज तो आया होगा भाई, पहले 5 थी, फिर 4 हुई, तो फिर 3 हो गई, ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, तो स्पीड में चेंज आया मतलब क्या, एक्सीलरेशन, क्योंकि टाइम तो चल ही रहा है, टाइम के साथ साथ हो रहा है ये सब। ठीक है, तो 5 सेकंड उसने दे दिया कि भैया 5 सेकंड में वो 5 से 0 पे आ गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको अपन यू से डिनोट करते थे, इसको हम वी से डिनोट करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल व्हाट इज फाइनल, फाइनल जीरो, तो जीरो रख दो, इनिशियल क्या है 5 है, बहुत बढ़िया, अपॉन में क्या रखोगे, टाइम कितना लगा 5 सेकंड, तो माइनस का है, माइनस आंसर ही आपका माइनस में आएगा, -5/5, ये आएगा कैसे, इसका मीटर पर सेकंड, ठीक है सर, और इसका अपॉन में सेकंड, एक और सेकंड आएगा, बहुत बढ़िया, तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सीलरेशन की, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये सर ये तो रिटार्डेशन है,
रिटार्डेशन है, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाना चाहिए कि रिटार्डेशन है कि एक्सीलरेशन है, समझ में आ रही बात। इसको कैसे आप बताओगे भैया, अगर वो गाड़ी चल रही है आपने ब्रेक अप्लाई किया तो सर एक्सीलरेशन तो होगा, एक्सीलरेटर हमने बचपन से एक्सीलरेशन क्या पढ़ा है कि पापा गाड़ी चला रहे थे, हम आगे बैठे थे, हमने एक्सीलरेटर को खींच दिया तो गाड़ी भागने लगी, तो वो एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेट हो रही गाड़ी, समझ में आ रही बात। तो आप अगर यहाँ पे अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, मतलब 5 से अगर 0 पे आ गई, मतलब ऑब्वियस आपने ब्रेक अप्लाई किया है, तो ब्रेक अप्लाई करने पे आपने एक्सीलरेशन किया नहीं, ठीक है। तो यहीं से आपको तो एक फ्रेम समझ में आ जाएगी कि रिटार्डेशन आना चाहिए, तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर जो आ रहा है अपना नेगेटिव में आना चाहिए, नहीं तो भैया गड़बड़ेंगे। तो आंसर आ गया हमारा नेगेटिव में, तो हमें सेटिस्फाई है कि हाँ इसको अपन बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सीलरेशन हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इस मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिव साइन इसकी उल्टी डायरेक्शन बता रहा है, समझ में आ रही बात। उल्टी डायरेक्शन मतलब ये कि ये उल्टा है, उल्टा है मतलब क्या कि एक्सीलरेशन से उल्टी चीज़ है, जो आपने फॉर्मूला लगाया एक्सीलरेशन का उससे उल्टी चीज़ है, मतलब जब जब एक्सीलरेशन होगा तब तक स्पीड बढ़ेगी और जब जब रिटार्डेशन होगा तब तक स्पीड घटेगी, तो जब स्पीड बढ़ रही है तब अगर उसको हम एक्सीलरेशन बोल रहे हैं तो इसका उल्टा हो रहा है कि स्पीड जो है वो घट रही है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्लियर, ओके। सो चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, किस पर बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड देखी थी, एवरेज स्पीड देखी थी हमने, एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, एवरेज बोलते क्यों है, एवरेज बोलते क्यों, क्योंकि वो बोलना चाह रहा है कि ओवरऑल जर्नी आपने, ओवरऑल जर्नी तय की है तो उसमें आप एवरेज स्पीड क्या, आपने मामा के यहाँ गए थे जब हमने स्पीड के बारे में बताया था, एवरेज स्पीड के बारे में बात करी थी, तो मामा का घर यहाँ है, ठीक है। आप यहाँ से शुरू हुए तो आप कभी आप ऐसे गए ये इस तरीके से आप गए, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से मतलब रास्ता है मामा घर का, मामा का घर है तो ऐसे रास्ता होगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि अपने पापा तो योद्धा हैं। चलिए तो ये हुआ, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हुआ आपका मामा घर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस आ रही है, मतलब क्या एवरेज निकालना है कि भैया हर जगह आपका अलग अलग रास्ता है, आपने कभी स्पीड कम करी होगी, कभी स्पीड ज़्यादा करी होगी। अगर मान लो कि मामा का घर 50 किलोमीटर है, ठीक है, आप पहुँच गए यहाँ पे 5 घंटे में, कितने, 5 घंटे में तो नहीं पहुँचोगे, आप पहुँच जाओगे 1 घंटे में, 2 घंटे में, चलो 2 घंटे में, 2 घंटे में पहुँच गया, ठीक है। तो भैया 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपके मामा के घर की, पर आप पहुँच रहे हो कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो आपकी स्पीड अगर मामा अगर मामा पूछेंगे, अबे यार तू आ गया बे, जल्दी आ गया यार, कब निकला था, इतनी बजे तू, मतलब चलो चलो जनरली मामा ने पूछ लिया कि कैसा आया, तो तू मतलब कितनी क्या स्पीड से आया, कितनी स्पीड से आया, तो तुम तो भैया पढ़े लिखे हो एकदम, तो तुम तो बता ही दोगे कि किस स्पीड से आया, कैसे आया, कैसे बताओगे कि मामा का घर पर अपने को पता है 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और अपन को निकले थे अपन 3 बजे, अपन पहुँच गए कितनी बजे, 5 बजे, मतलब 2 घंटे में अपन पहुँच गए, तो अपन फटाक से तब डिवाइड कर देंगे 50 / 2, ये किलोमीटर और ये आवर, ठीक है, तो ये हुआ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मामा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आया हूँ, समझ में आ रही बात। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये एवरेज कैसे आपने निकाल दिया, ये एवरेज हिसाब से, तो आप क्या मतलब 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले होंगे क्या हर जगह, नहीं ना, कभी कम हुई होगी तो कभी ज़्यादा हुई होगी, पर अगर देखा जाए तो सबका एवरेज क्या आया होगा, 25। कभी आप मान लो कि आपने जो भी है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करी होगी, तो अगली 5 किलोमीटर आपने पता चले 30 की स्पीड से तय कर ली, किससे कर ली, 30 की स्पीड से, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप देख लो दोनों का एवरेज निकाल लो, 20 + 30/2, 50/2, 25 आ रहा, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक एवरेज स्पीड हुई, समझ आ रही बात, एक एवरेज स्पीड हुई कि हाँ यार 25, मतलब ये मान सकते हैं आपकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चले हो। और पूरी डेली लाइफ में हम कभी भी इंस्टेंट स्पीड, हमारा सिर्फ जो स्पीडोमीटर है वो बताता है, ठीक है, कि हाँ स्पीड क्या है, मतलब 60 पे होगा तो 60 की स्पीड, 40 पे होगा तो 40 की स्पीड, पर अगर हम बात करते हैं, हम जो बात करते हैं डेली लाइफ में, हम इसकी बात करते हैं, आपसे अगर कोई पूछता है कि हाँ मैं इलाहाबाद से घर गया, खरगोन गया, तो किस किस स्पीड से ट्रेन चल रही है, दादाजी ने पूछा मेरे, पता चले, ठीक है, तो उनको हम क्या बताएंगे कि हाँ 100 की स्पीड चलती है, 90 किलोमीटर/h, तो मैं कौन सी स्पीड बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड बता रहा हूँ, मैं थोड़ी बोलता हूँ कभी रुकती है, कभी 20 की स्पीड पे भी होती है, कभी फिर बढ़ते 50 होती है, फिर 70 होती है, ऐसा थोड़ी जवाब दूंगा मैं क्या जवाब दूंगा कि हाँ 90-100 की स्पीड चलती है, 90 या 100 किलोमीटर/h की स्पीड चलती है, तो कौन सी स्पीड हुई, एवरेज, ठीक है, तो ऐसे वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग डायरेक्शन थी इसलिए स्पीड की बात करी थी हमने, तो वेलोसिटी की क्या रहेगी भैया, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, खत्म बात, ये सीधा ही जाएगा, ठीक है, तो कुछ नहीं, हम इसमें इनिशियल और फाइनल के फाइनल से बात करेंगे। यहाँ पे भी हमने एवरेज निकाला था, इस तरीके से एवरेज निकाला था, ठीक है, तो यहाँ पे भी एवरेज कैसे निकालेंगे, इनिशियल यू, फाइनल वी,
तो यू ऐसा कर सकते हैं, यू प्लस वी बाय टू, खत्म। समझ में आ रही बात, यू प्लस वी बाय टू यहां से आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी आपकी, बस ये लाइट फॉर्मूला इसका। समझ में आ रही बात, तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। और एवरेज स्पीड की जो बात करी थी हमने, तो वहां पे टोटल डिस्टेंस ली जाती है, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से डायरेक्ट बता दो आपकी 50 किलोमीटर चलना है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करने पर एवरेज स्पीड आई थी। और वी प्लस वी लिख दो, यू लिख दो कुछ भी, यू प्लस वी बाय टू मतलब इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, इसका एवरेज निकालो डायरेक्ट, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि हमारा तो एक डायरेक्शन में चलना है, यहां पे अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, अलग अलग स्पीड आएगी, यहाँ पे भी अलग अलग स्पीड आएगी, इसलिए एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। पर एक रेंज आएगी, ठीक है, और सबको प्लस माइनस करने पे हमारा एवरेज स्पीड इतनी आ जाएगी, जैसे इस वाले केस में हुआ था कि कभी हम 20 से चले, कभी 30 से चले, ठीक है, पर हमारा हमने एवरेज क्या बोली 25, तो 25 से भले ही आप चले कभी नहीं चले कोई दिक्कत नहीं, कभी आप 25 से चले, कभी आप 25 से नहीं चल के 20 पे चले, तो उतनी डिस्टेंस आपने आगे कितने पे गौर कर लिए, 30 पे, ठीक है, दोनों का एवरेज निकाला कितना आया वापस 25 आ गया, कि हाँ भैया आप तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल दिए, मतलब उस एक घंटे में आप 25 किलोमीटर चल दिए, ठीक है। अगर आप 25 की स्पीड से चलते तब भी आप 25 चलते, और एवरेज निकाला कि यार 25 आपने एक बार 20 से भी चले, मतलब आधी डिस्टेंस आप 20 से चले, तो फिर आधी डिस्टेंस आप 30 से चले, तब भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी एक घंटे में 25 किलोमीटर। समझ में आ रही बात, थोड़ी सी ये एडवांस हो जाती है, थोड़ा सा ये उलझने हो जाती है, बाकी इनसे कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब मैं चाहता हूँ कि फार्मूला आप रटो ना, ठीक है, रिलेट कर करके बता रहा हूँ कि यार एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया था, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, तो एवरेज वेलोसिटी फिर उससे कैसे रिलेट करेगी, ठीक है। तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी, ये हुआ उसका फॉर्मूला प्यारा सा, तो वही एवरेज वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वही मीटर पर सेकंड में आएगी, ये सही यूनिट, ठीक है, किलोमीटर पर आवर एक बड़ी यूनिट, और सेंटीमीटर पर सेकंड एक बच्चों वाली यूनिट, ठीक है। तो बच्चों वाली यूनिट बहुत कम यूज़ में आती है, बड़ी बड़ी यही दो आती है, किलोमीटर पर आवर जब एक ट्रेन की, हवाई जहाज की, फलाना फलाना की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आवर बात करेंगे। जनरली अगर एक बॉय दौड़ रहा है, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट, ठीक है, कुछ नहीं कहा जाए तो ऐसा यूनिट, क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। अब एक बात सुन लो, अब एक बात बोलो, मतलब सुन लो कि मैं अब बात बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में एक फंडा याद रखना कि न्यूमेरिकल्स में वो अपने जो एसिलरेशन हुआ, इनके केस में क्या स्पीड बोल देता है, वो वेलोसिटी की जगह स्पीड आपको डिनोट नहीं करता। तो ये हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स है वहाँ पे ये यूज किया गया है, मतलब वेलोसिटी हर जगह वेलोसिटी नहीं बोलते, क्योंकि आपको जनरल लाइफ में आपने कुछ भी किया हो, आप भले ही दिशा में भी चल रहे हो, आपने कभी देखा क्या डेली लाइफ में कि आपने कभी वेलोसिटी का यूज किया हो, नहीं किया। जनरली कहीं चलो तुमको क्या पूछता है सामने वाला कि किस स्पीड से आए, या फिर तुम भी जवाब किसमें दोगे कि हाँ स्पीड तो मेरी ये थी, ठीक है। तो अंडरस्टूड है ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्वेश्चन अभी से घबराना नहीं कि सर तो फिर तो उलझ जाएंगे फलाना नहीं, उलझोगे, क्वेश्चन देखो आप ही समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में वो यूज़ करते हैं, स्पीड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की जगह एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो स्पीड बोल देगा अगर क्वेश्चन में कि इसकी स्पीड ये थी पहले और इसकी स्पीड बाद में ये हो गई, तो हमको अंडरस्टूड रहना चाहिए कि हाँ यार ये इनिशियल स्पीड की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमको तो इनिशियल फाइनल पे ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक। इसलिए मैं आपको इनिशियल और फाइनल हर बार बोलते जाता हूँ कि ध्यान रखना है तो क्या रखना, क्योंकि ये हमारे साथ रहेगा, ये हमारे हमसे दगा नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझना है, अपन आप देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल से आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो वही उलझनों वाले क्वेश्चन को देखा जाए। देखो उलझनों में मतलब मैंने क्या बोला आपको कि स्पीड और वेलोसिटी से आपको चेंज कर देगा, तो एक उलझन यहाँ भी है, मैंने क्वेश्चन ही ले लिया उसका, तो आप क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। समझ आ रही बात, मतलब उसने क्या किया कि 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया, ये अंडरस्टूड है कि ब्रेक अप्लाई किया, ये क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, कभी कभार लिख के दे देगा, फिर अब ब्रेक अप्लाई करोगे तभी तो स्पीड कम होगी, भैया ब्रेक किस लिए दिया है, ब्रेक स्पीड का विरोध करता है। चलिए तो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहा था वो, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आया कितने सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स में, तो उसने ब्रेक अप्लाई किया होगा ऑब्वियस, ठीक। तो 25 से 10 पे आ गया वो 5 सेकेंड के अंदर, तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, एक्सीलरेशन तो पागल हो गए हमने भी क्या पढ़ा था, तो भैया यही है वो एक्सीलरेशन दे रहा है ना, आप तू न्यूमेरिकल जाओ, आप उसको आंसर में बताओ, आप उसको आंसर में बताओ कि अरे मुन्ना ये एक्सीलरेशन नहीं, इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल या फिर इसको रिटार्डेशन बोल, तो ये अपन समझाएंगे। समझ में आ रही बात, तो अपने को जब भी आंसर निकालेंगे अपन, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, आपको इस चीज़ पे डिपेंड मत करो
आप उलझ जाओगे सर। आपको सीधा आपको कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट कि अगर मैं उस कार में बैठा हूं, मैं 25 मीटर पर सेकंड से चला रहा हूं और मैं 10 पे जाऊंगा तो मैंने ब्रेक अप्लाई किया ना, स्पीड को कम किया ना, तो यहां पे एक्सीलरेशन दे कुछ दे। हमको तो पता है कि यार ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, क्योंकि हमने पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है और रिटार्डेशन भी है, तो एक्सीलरेशन लिखे कुछ लिखे अपने को मतलब नहीं। समझ में आ रही बात, अपने को अंडरस्टूड है वो चीज। चलिए तो अपन बहुत प्यार से क्वेश्चन करते हैं, हमको ये पता रहना चाहिए कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अगर इस चीज़ में आप उलझ गए तो आप आंसर गलत निकालोगे, कि जो 25 किलोमीटर पे था अब 10 पे आया 5 सेकेंड के अंदर, तो पहले कितनी थी, 25 थी, फिर 10 पे आया, तो पहले वाली को हम बोलते हैं इनिशियली और फाइनल जो बाद में आया वो फाइनली। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल हो गई आपकी, ये तो फाइनल हुई ना, फाइनल चलो इनिशियल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हुई, 25 मीटर पर सेकेंड सर, बहुत बढ़िया। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड सर, बहुत बढ़िया। टाइम कितना लगा आपको, 5 सेकेंड सर। समझाई बात, इनिशियल वेलोसिटी 25, फाइनल 10, टाइम 5 सेकेंड। उसने एक्सीलरेशन पूछा, तो एक्सीलरेशन तो हमारा फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। इसको आप वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको आप वो भी लग सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपका, पर एग्जाम में लगाओगे तो इंप्रेसिव लगता है कि वी माइनस यू अपॉन टी। समझ में आ रही बात, ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर का साइन है ऊपर जो बार लगाया ना, वेक्टर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन बाय फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो फाइनल व्हाट इज फाइनल, 25, फाइनल 25 नहीं है, फाइनल 10 है, ठीक है। 10 अप माइनस 25 अपॉन व्हाट इज टाइम, 5, ठीक है। तो कर लो 15/3, तो पर माइनस का 15, ठीक है, 10 में से माइनस किया तो माइनस 15/5, तो ये कितना आ जाएगा, -3। तो -3 मीटर पर सेकेंड तो किसका आ गया, मीटर पर सेकेंड किसका आ गया, मीटर पर सेकेंड इसका आ गया, स्पीड का, स्पीड का मीटर पर सेकेंड आ गया इनटू टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -3 माइनस क्या दिखा रहा कि यार इट इज अ रिटार्डेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ रिटार्डेशन, ठीक है, यहाँ पे रिटार्डेशन है और ये एक रिटार्डेशन है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है और नीचे आप रिटार्डेशन जरूर लिख देना कि ठीक है, और रिटार्डेशन कितने का हो रहा है, -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन समाप्त। इस तरीके से ही हमको, क्योंकि हमको ये पता है कि एक्सीलरेशन एक चेंज इन वेलोसिटी है, अब वो चेंज बढ़ते बढ़ते जाए या घटते घटते जाए, तो हम दोनों को बस सिंबॉलिकली मतलब साइन से हम उसको अलग अलग कर रहे हैं कि यार हाँ एक्चुअली यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, और अगर घट रहा है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, बस इतना अंतर है। चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो हमने सारी चीजें पढ़ ली है, हमने सारी चीजें पढ़ ली है। मोशन देखा था हमने, मोशन के बाद स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर स्केलर वेक्टर देखा, फिर स्पीड वेलोसिटी देखी। स्पीड वेलोसिटी के बाद हमने देखा वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, हम अगर भगा रहे हैं तो क्या होता है सर, एक्सीलरेशन, घटा रहे हैं अगर, रोक रहे हैं हम तो रिटार्डेशन। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब तीन इक्वेशन दी है, ठीक है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ठीक है। यहाँ पे आप खुद समझ जाओगे कि क्या क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। चलिए तो जो ये इक्वेशंस हैं इनका क्या यूज है सर, इनका यूज ऐसा है कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, कि जैसे आपको फाइनल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया और टाइम पूछ लिया, तो किसका यूज कर लोगे आप, ये वाला यूज कर लोगे आप। अगर इसमें आपको दो में देखने को मिल रहा है, मतलब तीनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कि इसमें भी डिस्टेंस की बात करी है, इसमें भी डिस्टेंस की बात करी। अच्छा ये आपको पता है ना कि डिस्टेंस क्या, इनिशियल क्या, फाइनल, देखो v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल, a मतलब एक्सेलरेशन और टाइम मतलब t मतलब टाइम, बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ डिस्टेंस, क्यों डिस्टेंस, जैसे हमने स्पीड की स्पीड का देखा था, वेलोसिटी का देखा था, स्पीड का देखा था हमने फॉर्मूला, कि स्पीड इज इक्वल टू, उसको बी से डिनोट करा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात समझ में आ रही है। तो एस एम किसको डिनोट करा था हमने, टाइम डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस इनिशियल टाइम एक्सीलरेशन टाइम, फाइनल इनिशियल एक्सीलरेशन डिस्टेंस, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इनका ये डिनोट किया है हमने, ये डायरेक्ट जैसे फॉर्मूला बनता है ना, वैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इनको, ठीक। तो इनको डिराइव करना ही बताऊंगा कैसे डिराइव क्या करते हैं। तो पहले आप एक बात सुन लो, कि अगर आपको डिस्टेंस की बात करें तो आपको दिमाग में ये दो क्लिक होना चाहिए,
क्वेश्चन में अगर उसने डिस्टेंस की बात करी तो ये दो क्लिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यह, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस। अगर वो डिस्टेंस साथ एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दे दे और फाइनल अगर पूछ ले तो इनिशियल और फाइनल दोनों किस में है, इसमें है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है जिससे आपकी फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल जाए। अगर आप बात कर ले आपको डिस्टेंस के साथ वो एक्सीलरेशन दे दे, टाइम दे दे और इनिशियल वेलोसिटी पूछ ले, फाइनल की कोई बात नहीं हो, तो हमको इसका किसका यूज करेंगे, हम सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये तीन इक्वेशन है। अब इसमें अपन डिराइव देख लेते हैं। डिराइव अपन सबसे पहले फर्स्ट वाली को कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वाली को कैसे डिराइव करेंगे हम, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये कैसे आया होगा भैया, तो हमको ये पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। इससे आप सेटिस्फाई हो, एकदम सेटिस्फाई हो, बहुत ही बढ़िया। तो ये टाइम को अगर अपन उधर ले जाएंगे तो एटी हो जाएगा और फाइनल माइनस इनिशियल, तो अब मैं यू को उधर ले जाऊँ अगर, तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो यू प्लस एटी इज इक्वल टू वी, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये हुआ आपका फर्स्ट, खत्म। ठीक है, तो ऐसे कैसे सेकंड और थर्ड भी, सेकंड थर्ड थोड़ा बड़ा है तो इसको रफ कर लेते हैं। अपना ये लीजिए सेकंड वाली इक्वेशन का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कैसे आया होगा। अच्छा चलिए भैया एक बात बताइए, यहाँ पे आ गया हमारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, एवरेज की बात करनी पड़ेगी। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला जो है वो है वी प्लस यू बाय टू। क्लियर है, इज इट क्लियर, ओके क्लियर है। चलिए, तो ये हुआ, अब हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी बोल लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। तो डिस्टेंस, इसको अपन डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसको उधर कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, क्लियर है, ओके बहुत ही बढ़िया सर। तो यहाँ पे हम ईयरली एवरेज स्पीड रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए, क्योंकि एवरेज स्पीड में हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है। बात समझ में आई, यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बात समझ में आ रही है। तो चलिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इंटू या एवरेज वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम। मैं बोला हूँ स्पीड और वेलोसिटी को आपको एक ही मान के चलना है, ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सभी सॉल्व होंगे। चलिए, तो टोटल टाइम, तो इस तरीके से हो गया। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ये एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे आ जाएगा v प्लस यू बाय टू इंटू टी। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस, समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो v है, v को हमको v की जगह क्या पुट करना है, हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो ये v को हम यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए, तो s इज इक्वल्स टू यू लिख देता हूँ, फिर v लिखूंगा, तो v की वैल्यू हम मैं रख दूंगा यू प्लस एटी, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू टी। क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। सो यू यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा ब्रैकेट, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो यू प्लस यू 2u प्लस 80 बाय 2 सबके मल्टीप्लाई में t, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो सिर्फ u बचेगा, फिर हाफ ए टी यू टी आ जाएगा यहाँ पे, यू टी ए टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टी इंटू टी टी स्क्वायर और यहाँ पे यू टी आ गया, और ये टू से टू कट जाएगा और यहाँ पे हाफ आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू क्या आया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इज क्लियर। ठीक है, वो सिंपल था कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, पहली जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन थी वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमको हमको डिस्टेंस नहीं थे, डिस्टेंस की बात ही नहीं हुई थी। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमको कहाँ से मिलेगी, हमको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के केस में हमने देखा था टोटल डिस्टेंस की बात हमें हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बोल लो, ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी प्लस यू बाय टू, वी प्लस यू बाय टू। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे हमको पता ही है। अब टोटल डिस्टेंस को अगर हमको पता करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए हमको ये टोटल टाइम को उधर ले जाना पड़ा, तो इसको हमने टोटल, ये हो गई टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी अप इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ये था, हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा और इंटू टी कर दिया। चलिए भैया, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, टोटल टाइम बोल सकते हो। तो s इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो है इसमें हमको देखने को मिला है कि भैया यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, फाइनल वेलोसिटी है क्या इसमें, अपने किसमें, इक्वेशन में, तो फाइनल वेलोसिटी तो नहीं है, तो भैया फाइनल वेलोसिटी को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस एटी, तो हमने v की जगह u प्लस एटी रख दिया, v की जगह u प्लस एटी रख दिया, और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, तो हमको पता चला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस तरीके से प्रूव हुआ। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं हम, इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये डिराइव करने वाले साइंटिस्ट थे, इसको खोज नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको खोज नहीं रहे, इसको खोजने का काम था साइंटिस्ट का, हमको तो ये इक्वेशन दी है, तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ भैया ये इस तरीके से आती है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट, आपको कहीं से कहीं तक ये डेरिवेशन मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट ये याद रखना है, इक्वेशन याद रखना है, ये आपको 11, 12 सब जगह काम आने वाली है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आने वाली है। चलिए, तो अब बढ़ जाते हैं आगे, थर्ड
हम लास्ट वाली थर्ड इक्वेशन की वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। देखो मतलब अगर डेरिवेशन कर रहे हो तो डेरिवेशन का मतलब ही क्या हुआ, डेरिवेशन का मतलब ये हुआ कि यार आप किसी न किसी चीज को रिप्लेस करते करते आपको जो जो पता है, जो जो क्वांटिटी इससे रिलेटेड पता है उसको आप रिप्लेस करते करते आप यहां तक पहुंच जाओ। कहां तक पहुंच जाओ, यहां तक पहुंच जाओ, यही होता है आपका डेरिवेशन। आप हेंस प्रूव कर देते लास्ट में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे लाए। तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड द सेकेंड वन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, हमको हम आप देखेंगे क्या कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या फाइनल है, इनिशियल है और एक्सीलरेशन और डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो हमको बात करना है कि डिस्टेंस भी रखना है, एक्सीलरेशन भी रखना है, इनिशियल वेलोसिटी रखना है, फाइनल वेलोसिटी रखना है। तो डिस्टेंस कहाँ है, ये रहा। इनिशियल क्या है, ये री। एक्सीलरेशन रखना है, हाँ रखना है, टाइम भी रखना है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल फाइनल एक्सीलरेशन रखना है, पर टाइम दो मिनट रखना है। तो टाइम को रिप्लेस करेंगे तो टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ से निकालेंगे, इससे सिंपल आ जाएगी, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस, यहाँ से निकालते इधर ऊपर निकालते यहाँ करते v माइनस टाइम इज इक्वल टू, ठीक है। तो टाइम इसके आ जाएगा v माइनस यू अपॉन एक्सीलरेशन, क्लियर। ये हुआ आपका टाइम का। तो आप क्या करेंगे, टाइम को हमको एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड की यूज, पहले से तो हमने टाइम की वैल्यू निकाली, अब पहले में तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम सेकंड वाले में इसको पुट करेंगे, किसको, टाइम की वैल्यू को, तभी हमको टाइम को एलिमिनेट कर पाएंगे। किसके केस में, किसके फॉर्म में, वी माइनस यू बाय ए के फॉर्म में हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। चलिए तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए एस इज इक्वल टू यू, टाइम की जगह रख दो वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, प्लस हाफ ए ए और यहाँ पे टी का स्क्वायर, टी कितने है, वी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया सर। चलिए तो अब क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो ये आया वी माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसा लिखते हैं, वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, अलग अलग कर दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से ए, यहाँ पे ए ऑलरेडी है और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा। तो बाकी क्या लिख रहे हैं हम, यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, ये ए से कट गया तो हमारा नीचे ए के बच जाएगा, मतलब वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए। इज इट क्लियर, ओके फाइन। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 है तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा ही, ठीक है। अपॉन में 2 है बचा, वी माइनस यू का होल स्क्वायर खोल दो, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 वी यू, ठीक है। चलिए तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 वी यू, ओके क्लियर। अब देखो क्या हो रहा है, नीचे एलसीएम हमारा देख लिया 2 2a है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अपॉन में 2a कर लो, 2a ऊपर खोल लो पूरा, तो 2VU माइनस 2U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2VU। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, 2VU से 2VU, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, बहुत बढ़िया सर। अब कुछ कट रहा है, हाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये माइनस का बचेगा, माइनस का U स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं, V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर अपॉन में 2A, कितना है अपॉन में 2A, क्लियर, कोई दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस यू आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा और ये वी स्क्वायर आ गया। चलिए तो बहुत बढ़िया, तो ये किसकी किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू है, मतलब एस इज इक्वल टू ये है। तो अब अगर मैं इसको इधर कर दूं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इज इट, ठीक है। अब वी स्क्वायर को एक तरफ रहने दो, यू स्क्वायर को इधर ले जाओ, यू स्क्वायर प्लस 2s, इट इज हेंस प्रूव्ड, क्लियर। इस तरीके से ये प्रूव हो गया, थोड़ा सा लेंदी है पर बातों को समझो क्या हो रहा है, मैं करना क्या चाह रहा था। पहले में हमने देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वो क्लियरली आ गया हमारा, कहाँ से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी से करके हमने t को उधर भेज दिया था, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया था और u को उधर भेज दिया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया था, क्लियर। सेकेंड में हमने क्या किया, सेकेंड होती है हमारी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड में हमारा क्या हुआ कि हमको चाहिए था टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस हमारा कहाँ से निकलता है, एवरेज से, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड की बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला था वी प्लस यू बाय टू, तो वहीं से हमने टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकाली, टोटल टाइम इंटू टोटल स्पीड या वेलोसिटी, उसमें हमने टोटल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के हमने वहाँ पर रख दिया था हमारा फॉर्मूला, ठीक है, वी प्लस यू बाय टी यू बाय टू, इस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था आगे हो गया था हमारा। उसके बाद हमने देखा कि थर्ड इक्वेशन में हमको पता ही है कि रिप्लेस करना रहता है, तो थर्ड इक्वेशन में हमने देख लिया कि भैया ये चीजें हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास टाइम ये वाली इक्वेशन में नहीं है, हमको टाइम यहां पे नहीं चाहिए, तो टाइम को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकाली, टाइम की वैल्यू को हमने पुट किया, देन वी सॉल्व इट एंड हैंस प्रूव्ड, ओके ये हमारा आखिरी में आ गया और हमने प्रूफ कर दिया। सो आज हमारा आज तक के लिए आज हमारा इतना ही खत्म, ठीक है। हम इसका यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, हर चीज़ समझेंगे, मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में यूज़ आएगा, आपको बस ये वैल्यूज़ पता होना चाहिए और रट डालो, घोट लो, तीनों इक्वेशन को घोट लो, ये डेरिवेशन से कुछ नहीं होना है, आपको घोटना पड़ेगा, चीज़ों को घोट लो, ठीक है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रो, ओके शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में उसी मस्ती के साथ, बाय।